आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का वैदिक विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सेंगोल की भी स्थापना की। वहीं पीएम मोदी ने 11 श्रमजीवियों को भी सम्मानित किया, जिसमें एक बिहार के भी श्रमिक शामिल हैं। अब इसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्घाटन के बाद ही आरजेडी ने एक ट्वीट किया, जिसमें ताबूत और नए संसद भवन का फोटो लगाया, फिर पूछा ये क्या है। तो वहीं दूसरी ओर नए भवन के उद्घाटन के खिलाफ जेडीयू अनशन करने जा रही है। पटना हाईकोर्ट के पास बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे जेडीयू के नेता बैठकर अनशन करेंगे। उमेश कुशवाहा ने कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान जेडीयू बर्दाश्त नहीं करेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना दलित आदिवासी समाज के साथ साथ महिलाओं का अपमान है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, अगर जिन दर्शकों ने नहीं देखा ये पल, और देखिए एक इतिहास और लोकतंत्र के लिए एक नया अध्याय। और जेडीयू की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि पटना में विरोध किया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है, और आरजेडी ने भी ट्वीट किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। तो तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। और नए संसद भवन का उद्घाटन आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ, लेकिन इसे लेकर सियासत लगातार चरम पर है। दिल्ली से बिहार तक इससे लेकर सियासत तेज है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें हर तरफ इसका विरोध किया जा रहा है। देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। पिछले बार भी गोविंद जी थे जब राष्ट्रपति, तो कोई भी बड़ा समारोह में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि यह दिखावे के लिए अति पिछड़ा को, ओबीसी को, दलित को और आदिवासियों को भरवाने का काम करते हैं। कांग्रेस के द्वारा कोई जो है धरने पर बैठ रहे हैं और कोई जो है प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, ये देश के जनता के गाढ़ी कमाई से देश के जनता के द्वारा निर्मित संसद भवन का विरोध करना, ये मोदी विरोध करते करते कहीं राष्ट्र विरोध आप नहीं कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखिए। आप जो है राष्ट्र विरोध कर रहे हैं, ये संसद भवन का विरोध नहीं कर रहे हैं, जनता के आस्था के केंद्र का विरोध कर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है कि वीर सावरकर जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में हम लोग मार्च नहीं निकाल रहे हैं, जेडीयू अनशन पर नहीं बैठ रही है। कांग्रेस पार्टी या जेडीयू या आम विपक्षी दल संसद भवन के उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जो अपमान किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज से आती हैं, जो महिला हैं, जो दलित हैं, उनका सम्मान संसद भवन के उद्घाटन में न हो, उनके कर कमलों द्वारा संसद भवन का उद्घाटन न हो, यह देश का अपमान है। ये मुद्दा कोई मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के आज सरकार जो है इसके लिए धरना पर बैठ रही है, जो प्रतिबंधित जगह है वहाँ धरना पर बैठ रही है। अरे देश के विकास के लिए सोचिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए सोचिए, तो आप संसद भवन में उद्घाटन हो रहा है इसके लिए आप धरना पर बैठ रहे हैं। ये तो सिर्फ भटकाने वाली बात है कि लोगों को वास्तविक समस्या जो है राज्य की, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसके लिए सरकार इस तरह की।
आरजेडी ने नए संसद भवन का अपमान किया, नए संसद की तुलना ताबूत से की, तस्वीर ट्वीट कर लिखा ये क्या है, नए संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर पोस्ट की गई है। तो आपको बता दें कि सीधे ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके निशाना साधा गया है, तो आरजेडी के नए संसद भवन का अपमान किया गया है और ये जो ट्वीट किया गया है, ठीक है आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करना लोकतंत्र में सबके लिए है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर अगर ऐसी तस्वीरें साझा की जा रही है तो एक सवाल उठता है कि क्या विरोध के लिए बस विरोध किया जा रहा है। देखिए लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और दूसरी तरफ आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रही है और ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर समझने की कोशिश कीजिए कि एक बार नए संसद भवन की तस्वीर है, दूसरी तरफ ताबूत है, तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो तस्वीरें साझा की गई इसके क्या मायने, और बड़े ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और इन्हीं सबके बीच विरोध के नाम पर जो ये तस्वीरें साझा की गई हैं, सवाल ये उठता है कि आप नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कैसे कर सकते हैं। देखिए लोकतंत्र की बात की जाए, लोकतंत्र में लगातार इस तरह से हर कोई विरोध करता है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। तो आपको आना चाहिए था कोई उद्घाटन करे, लेकिन आपको तो विरोध करना है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, बीजेपी को न मिल जाए। अरे भाई श्रेय तो मिलेगा ही उनको, नरेंद्र मोदी को, अगर 2.5 साल के भीतर इतना भव्य भवन बनकर तैयार हो गया। इसलिए मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है कांग्रेस में एनसीपी में तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है और हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। आपको पोस्ट भी दिखा रहे थे, आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया, ट्वीट करके ये विरोध जताया गया। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव, पटना से आरजेडी ऑफिस के बाहर ही हैं रुपेंद्र। रुपेंद्र, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, एक इतिहास की बात की जाए तो लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय, लेकिन विरोध के नाम पर जो तस्वीरें साझा की जा रही है कहां तक जाए छे? विरोध के नाम पर जो तस्वीरें साझा की जा रही है वो सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र के नए मंदिर का जो है उसका जो आज शुभारंभ हो रहा है, लोकतंत्र के एक नए मंदिर मिल रहा है और उसमें साफ तौर पर पिछले संसद भवन जो पुराना जो संसद भवन है उससे अधिक सीटें हैं, क्योंकि भविष्य में जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, सांसदों की संख्या अधिक बढ़ती है, तो उसमें जो है उनके बैठने के लिए तमाम चीज इंतजाम है। लेकिन कांग्रेस जो है बिहार में देखिए किस तरह से मार्च करने जा रही है, जेडीयू अनशन करने जा रही है, तो आरजेडी का ट्वीट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए जनता को और साफ तौर पर बीजेपी को चुभने लगा है, बीजेपी के तरफ से तमाम बयान आने लगे हैं। तो देखिए कि लोकतंत्र के नए मंदिर का जो है उसका उद्घाटन हो रहा है और इसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो जो हैं अब राजनीति कर रही हैं और ये राजनीति इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसलिए की जा रही हैं कि जनता जो है ये समझे कि वोटर और जनता को जो है ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री अच्छे नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये करेंगे। तो ये राजनीति की बात है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, दोनों जो है वोटरों को अपने तरफ खींचने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के नए मंदिर का विरोध जो किया जा रहा है वो एक तरह से उचित नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल उठाया है आपने रुपेंद्र। कई बार क्या होता है ना, विरोध बस करना है इसलिए विरोध होता है और ये तस्वीरें और ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात यही है विरोध तो बहाना है, 2024 निशाना ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आम जनता में इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए जनता जो है दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ की जो जनता है वो तमाम चीज़ों से सत्ता पक्ष के कामों से जो है खुश है, वो कार्य अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो जनता है वो विपक्ष के जो बताए गए मार्ग है, जो विपक्ष जो बता रहा है उसको लेकर कर रही है कि सरकार अच्छी नहीं कर रही है। तो साफ तौर पर चुनाव का समय है, जनता जो है दो भागों में बटी हुई है, अब जब चुनाव आएगा उस समय पता चलेगा कि कौन सही था, क्योंकि जनता को वोट देना है और जो जीतेगा उसी को जो है जनता एक तरह से सम्मान देगी और वही होगा कि जो अच्छे काम किए रहेंगे उन्हीं को जो है जनता सदन में भेजेंगे। जी रुपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।